दोस्तों, काफी समय से जानकारी सामने आ रही है कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो अपनी ए सीरीज के नए स्मार्टफोन ओप्पो A54 4G और 5G स्मार्टफोन पे काम कर रही है, जिसे कुछ समय पहले सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फोन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक नई लीक से ये पता चलता है कि कंपनी इस फोन के 4G और 5G मॉडल पे काम कर रही है। यानी कि ओप्पो के इस फोन को US की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS पे स्पॉट किया गया है। जैसा कि इंडिया के BIS लिस्टिंग से ये पता चलता है कि कंपनी इस फोन को आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले एक वेबसाइट ने इस फोन के FCC सर्टिफिकेशन को दिखाया है, जिससे इस फोन के 4G मॉडल के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है। इसके अलावा FCC लिस्टिंग में इस फोन को मॉडल नंबर के साथ देखा जा सकता है। FCC लिस्टिंग से ये पता चलता है कि ये हैंडसेट 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और साथ में 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेंगे। इसी तरह ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आधारित कलर OS 7.2 पे काम करेगा। साथ ही फोन का डायमेंशन इस प्रकार से है और इसका वजन 192 ग्राम बताया गया है, जैसा कि BIS सर्टिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले टिप्स्टर मुकुल शर्मा द्वारा दी गई है। हालांकि इस फोन के 4G मॉडल को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, यानी कि इस फोन के कैमरे सेटअप और चिपसेट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, अब बात करें ओप्पो A54 5G स्मार्टफोन के बारे में। जैसा कि कुछ समय पहले ओप्पो A54 5G के डिजाइन से लेके स्पेसिफिकेशन तक की जानकारी सामने आई थी, वहीं लीक रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बाईं ओर प्लेस किया गया है। इसके अलावा फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड पैनल फिंगरप्रिंट सेंसर की झलक देखने को मिली। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आधारित कलर OS 11.1 पे काम करेगा। इस फोन की अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे 6.5 इंच की FHD+ का एक IPS LCD डिस्प्ले दी जाएगी। और जैसा कि आपको बता दें कि इस फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। इसके अलावा इस फोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट पे काम करेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 5G चिपसेट से लैस है। अब बात करें कैमरे सेटअप को लेके, तो ओप्पो A54 5G में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इस फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस के साथ देखने को मिलेंगे। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जाएगा। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इस फोन में 4G 5G ब्लूटूथ हेडफोन जैक USB Type-C के पोर्ट जैसे सारे बेसिक कनेक्टिविटी फीचर दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें इस फोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। दोस्तों, अब बात करें प्राइस को लेके, तो जैसा कि ओप्पो A54 5G की प्राइस लीक के अनुसार 200 यूरो के आसपास बताई गई है, यानी कि इंडियन करेंसी के अनुसार इस फोन को 17,000 रुपए के स्टार्टिंग प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। जबकि इस फोन के 4G मॉडल की बात करें तो इसे 14,000 से लेकर 15,000 के आसपास में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर इंडिया लॉन्च की बात करें तो इसे अप्रैल फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस फोन के 4G मॉडल को लेके अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में हम आने वाले वीडियो में इस टॉपिक को अपडेट करते रहेंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।